नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज़। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पटना के सड़कों पर महागठबंधन के जितने बड़े सियासी दल हैं वो उतर चुके हैं राजभवन मार्च करने के लिए। हालांकि खबरें निकल के आ रही हैं कि पुलिस के साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की उनकी हो रही है, पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। महागठबंधन के जितने नेता हैं वह आज सड़क पर उतरे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए। अब इस पर एक करारा तंज कसा है जदयू के प्रखर प्रवक्ता सह MLC नीरज कुमार जी ने। आप जानते होंगे उन्हें कितने कटाक्ष भरी बातों से वह संबोधित किया करते हैं महागठबंधन के नेताओं को। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही कहा है, जिस तरह से तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अभी तुरंत की यह खबर है, लाइव स्ट्रीम सबसे पहले आपको ये दिखा रहा है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने लिखा है, ट्विटर लल बबुआ, जिस तरह से आप सड़क छाप मार्च कर रहे हैं, सड़क पर जो मार्च कर रहे हैं आप, जिस तरह से तस्वीरें देख रहे होंगे, अच्छा होता यदि आप अपने आइकन राजवल्लभ यादव, अनंत सिंह और शहाबुद्दीन को यहाँ पर साथ में रखते। उन्होंने नीचे में यह भी लिखा है, जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे होंगे, कि ऐसे को ही सड़क छाप कहते हैं। सीधा सीधा एक बार फिर से सड़क छाप वाला जो इस्तेमाल है शब्द का, वो कर दिया है जदयू के प्रखर प्रवक्ता नीरज कुमार ने। साथ साथ उन्होंने लिखा है कि होटवार जेल तक आप लोग चले जाइए अपने सभी साथी को लेकर के, और वहाँ पर जाकर के मार्च कीजिए ताकि अच्छी खासी सीटें मिल सकें। ये तीखा प्रहार किया है राजभवन मार्च को लेकर के। सड़क पर उतरे हुए हैं महागठबंधन के सभी नेता और सड़क छाप बता दिया गया है जदयू के प्रखर प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा। ये ट्विटर के माध्यम से तस्वीरें सबसे पहले लाइव स्ट्रीम आपको दिखा रहा है, किस तरीके से करारा प्रहार किया है महागठबंधन के नेताओं पर। सीधा सीधा अनंत सिंह, शहाबुद्दीन और राजवल्लभ यादव जैसे लोगों को सड़क छाप बता दिया है। अब इसके आगे क्या इन तीनों नेताओं में से कोई कुछ कहेगा, या तेजस्वी यादव कोई ट्वीट करेंगे सड़क पर आकर कुछ बोलेंगे, उन सभी बयानों से लाइव स्ट्रीम सबसे पहले आपको रूबरू कराएगा। हम हर पल हर खबर के साथ आपको जोड़ते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।